नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के ऊपर। तो दोस्तों, साइंस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिनके आने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द अप्रोक्स वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट? तो दोस्तों, ह्यूमन हार्ट जो होता है उसका अप्रोक्स वेट जो होता है वो कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 250 से लेके 350 ग्राम। 250 से लेके 350 ग्राम जो होता है ये वेट होता है ह्यूमन हार्ट का। जो दिल होता है किसी आदमी का, उसका जो वजन होता है वो 250 ग्राम से लेके 350 ग्राम होता है। तो दोस्तों, आपको अगर 250 से लेके 350 ग्राम में से कोई भी ऑप्शन मिलता है आपको एग्जाम में, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कभी एग्जाम में 250 मिल जाता है, कभी 300 मिल जाता है, कभी 350 मिल जाता है। तो जो भी ऑप्शन दिया जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम दोस्तों हार्ट की बात करें तो दोस्तों हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट जो होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 1 मिनट में हार्ट जो होता है वो 72 टाइम धड़कता है। और दो धड़कन के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है वो कितना होता है, मतलब एक धड़कन के धड़कने के बाद दूसरी धड़कन जो धड़कती है उन दोनों में कितना टाइम डिफरेंस होता है? तो वो होता है 0.8 सेकंड का। अब दोस्तों, यहाँ बात हो गई हार्ट की। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का जो वेट होता है वो होता है 1300 से लेके 1400 ग्राम तक, मतलब 1300 से लेके 1400 ग्राम तक वेट होता है ह्यूमन ब्रेन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय विच ऑर्गन ब्लड इज प्योरिफाइड इन ह्यूमन? तो दोस्तों, कौन सा ऑर्गन होता है जो कि ब्लड जो होता है हमारे खून को जो प्योरिफाई करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किडनी। तो दोस्तों, किडनी जो होती है वो प्योरिफाई करती है ह्यूमन ब्लड को। अब दोस्तों, इसमें क्या प्रोसेस होता है? तो दोस्तों, जितने भी ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो इम्प्योर ब्लड जो होता है उसको हार्ट के पास भेजते हैं। हार्ट फिर क्या करता है, हार्ट उस ब्लड को किडनी के पास भेजता है प्योरिफाई करने के लिए। किडनी उस ब्लड को प्योरिफाई करके वापस हार्ट को भेज देती है। फिर हार्ट जो होता है उस ब्लड को सभी ऑर्गन्स में डिवाइड कर देता है। तो ये प्रोसेस होता है ब्लड सर्कुलेशन का। तो ब्लड प्योरिफाई जो करता है वो कौन करता है? तो किडनी जो होती है वो ब्लड को प्योरिफाई करती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय हुम? तो दोस्तों, प्रोटॉन्स जो होते हैं उनकी जो खोज करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी प्रोटॉन्स की। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय हुम? तो दोस्तों, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। तो दोस्तों, जेम्स चैडविक जो है इनके द्वारा खोज करी गई थी न्यूट्रॉन्स की। पेसमेकर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम? तो दोस्तों, पेसमेकर जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा SA नोड। SA नोड जो होता है उस नाम से जाना जाता है पेसमेकर। यहाँ पर जो SA है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो SA जो होती है उसको कहा जाता है साइनोएट्रियल। साइनोएट्रियल नोड जो होती है उसको पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉट इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ सेल्स? तो दोस्तों, सुसाइड बैग ऑफ सेल जो है वो किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाइसोसम्स। लाइसोसम्स जो होते हैं इनको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी? तो दोस्तों, विटामिन बी जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा थाइमीन। तो दोस्तों, थाइमीन जो होता है वो साइंटिफिक नेम होता है विटामिन बी का। ये आपको पता होना चाहिए, जितने भी विटामिन्स होते हैं उनके जो साइंटिफिक नेम होते हैं या फिर केमिकल नेम्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, विटामिन्स के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, जिसमें कि हमने सारे जो केमिकल नेम्स होते हैं विटामिन के वो हमने डिस्कस करे हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोबाल्ट इज फाउंड इन विच विटामिन? कोबाल्ट जो होता है वो कौन से विटामिन में मिलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है।
विच विटामिन इज फाउंड इन अबेंडेंट इन फिश लिवर, तो दोस्तों फिश के लिवर में ज्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन होता है जो कि पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए डी। विटामिन ए और विटामिन डी जो होते हैं ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं फिश के लीवर में। विच प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, तो दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसमें कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन जो होता है ये एक प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में प्रोटीन पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा फिब्रिनोजिन, और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है तो आपका आंसर होगा विटामिन के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन बाय द नेम, तो दोस्तों स्टडी ऑफ कॉइन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, कॉइन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक जो होता है वो अध्ययन को कहा जाता है, कॉइन के सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। स्टडी ऑफ फंगी इज नोन बाय द नेम, तो दोस्तों स्टडी ऑफ फंगी जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो होता है वो कहा जाता है स्टडी ऑफ फंगी को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड, तो दोस्तों मेल सेक्स हार्मोन जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ये मेल सेक्स हार्मोन होते हैं, और दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फीमेल सेक्स हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है तो आपका आंसर होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं ये फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर, तो दोस्तों कान में कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो दोस्तों दोनों कान की मिला के 6 हड्डियां होती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंसान के एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इंसान के एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, और दोनों कानों की मिला के टोटल 6 हड्डियां होती हैं ह्यूमन ईयर में। अब दोस्तों ये जो तीनों बोन्स होती हैं इनके नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए। तो तीनों बोन्स जो होती हैं उनका नाम होता है इनकस, मैलियस और स्टेप्स। ये तीन बोन्स होती हैं ईयर में, तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेप्स जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है ह्यूमन बॉडी में, और ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ह्यूमन ईयर में। और अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, आपका आंसर होगा स्टेपडियस। स्टेपडियस जो होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट मसल होती है ह्यूमन बॉडी में, और ये भी कहाँ पाई जाती है, तो ये भी पाई जाती है ईयर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर लो टेम्परेचर, तो दोस्तों लो टेम्परेचर जो होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रायोमीटर। तो दोस्तों क्रायोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कम टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों क्रायोमीटर जो होता है ये -1000 केल्विन तक जो होता है ये नाप सकता है। और अगर दोस्तों हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है वो हाई टेम्परेचर के लिए होता है, और क्रायोमीटर जो होता है ये लो टेम्परेचर के लिए होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द हियरिंग पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो दोस्तों हियरिंग रेंज जो होती है ह्यूमन बॉडी की वो कितनी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 Hz to 20,000 Hz। तो दोस्तों 20 Hz से लेके 20,000 Hz तक जो होती है वो हियरिंग पावर होती है ह्यूमन ईयर की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय यूजिंग विच डिवाइस, तो दोस्तों मिल्क जो होता है उसकी जो शुद्धता होती है, प्योरिटी जो होती है, उसको नापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करी जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो होता है इसके द्वारा नापी जाती है प्योरिटी ऑफ मिल्क। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो दोस्तों एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो होती है वो कौन सी डिवाइस के द्वारा नापी जाती है, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो होता है ये एक डिवाइस होती है जो कि यूज करी जाती है एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी को नापने के लिए। अब दोस्तों आपको एग्जाम में ऑप्शन में हाइड्रोमीटर भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाइग्रोमीटर जो होता है इसके द्वारा नापी जाती है एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ज़ेरोपिथैल्मिया डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो दोस्तों ज़ेरोपिथैल्मिया डिसीज जो होती है
वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी की वजह से होती है जीरो पथेलमिया डिसीज। अब दोस्तों अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है? तो ये आइस से रिलेटेड होता है। आपने सुना होगा कि गाजर खाने से आंख जो होती है वो मजबूत होती है। अब जो गाजर होती है उसमें विटामिन ए जो होता है भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए गाजर को बताया जाता है कि आंखों के लिए गाजर फायदेमंद होती है। तो विटामिन ए जो हो गया ये रिलेटेड होता है आइस से। तो दोस्तों ये जो डिसीज होगी ये किससे रिलेटेड हो गई? तो ये भी रिलेटेड हो गई आइस से। जीरो पैथेलमिया डिसीज जो होती है ये रिलेटेड होती है आंखों से। अब दोस्तों आंखों में जो आंसू बनते हैं, आंसू जो निकलते हैं वो जब सूख जाते हैं तो उसको कहा जाता है जीरो पैथेलमिया डिसीज। इस डिसीज में जो आंखों के आंसू होते हैं वो सूख जाते हैं। अब अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन की जो खोज करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी? सी फंक जो है उनके द्वारा खोज करी गई थी विटामिन की। अगर दोस्तों आपसे विटामिन ए का केमिकल नेम पूछा जाए एग्जाम में तो आपका आंसर क्या होगा? तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। पता होना चाहिए आपको विटामिन ए का केमिकल नेम जो होता है वो होता है रेटिनॉल। केमिकल नेम्स के ऊपर काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो होगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टेस्ला। तो दोस्तों टेस्ला जो होती है वो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गीगर काउंटर। गीगर काउंटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेनली यूज किया जाता है रेडियो एक्टिविटी को नापने के लिए। तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये जो टॉपिक होगा ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना दी है तो आप हमारी वीडियोज में जाके उसको भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कौन से पार्ट में होती है ह्यूमन बॉडी के? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेन। तो दोस्तों ब्रेन जो होता है उसमें प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोस्तों अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये सिक्रीट करती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो कि व्यक्ति की ग्रोथ में मदद करते हैं, इसलिए इसको जो है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बैटरीज वर डिस्कवर्ड बाय हुम? तो दोस्तों बैटरीज की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा वोल्टा। तो दोस्तों वोल्टा के द्वारा खोज करी गई थी बैटरीज की। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन? तो दोस्तों आइस बर्फ जो होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। 273 केल्विन जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है बर्फ का, और अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 0 डिग्री होता है सेल्सियस में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन? तो दोस्तों फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स जो है इनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। एल्जाइमर डिसीज इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो दोस्तों एल्जाइमर डिसीज जो होती है वो कौन से पार्ट को इफेक्ट करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेन। तो दोस्तों ब्रेन जो होता है तो दोस्तों व्यक्ति का मस्तिष्क जो होता है उसको इफेक्ट करती है एल्जाइमर डिसीज। अब दोस्तों इस डिसीज में क्या होता है? तो मेमोरी जो होती है वो भूलने लगता है व्यक्ति, मेमोरी लॉस होने लगती है व्यक्ति की, तो इसको कहा जाता है एल्जाइमर डिसीज। ऑन विच थ्योरी वॉशिंग मशीन वर्क्स? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन जो होती है वो कौन सी थ्योरी पे काम करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो होती है इस पे वर्क करती है वॉशिंग मशीन। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन फीमेल फर्टिलाइजेशन अकर इन विच पार्ट? तो दोस्तों फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कौन से पार्ट में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो होती है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल्स के, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्यूज वर्क्स ऑन विच थ्योरी? तो दोस्तों फ्यूज जो होता है वो कौन सी थ्योरी पे वर्क करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट जो होता है उस पे काम करता है फ्यूज। फ्यूज जो होता है वो आप डेली घर में देखते हैं, टीवी हो गए, इन्वर्टर हो गए, इन सब में जो होता है सब में फ्यूज लगा होता है। तो दोस्तों फ्यूज जो होता है वो वर्क करता है थर्मल इफेक्ट पे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट जो होता है
उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3 जो होता है ये केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जनरल साइंस के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।